वेलकम बैक टू चैनल गाइज। आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट एलिमिनेशन की एक और नई वीडियो। तो गाइज आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ एक कोलार्ज की एक नई रेंज, जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि इस किस तरह की रेंज मेरे पास में है। ये रेंज आपको कुछ मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह की रेंज मेरे पास में है कोलार्जेस की। तो बेसिकली इसके अंदर आप 8 to 9 फोटोज इसके अंदर आप लगा सकते हो, और साथ ही में क्लॉक का भी ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल जाता है। तो काफी एक नई रेंज है, आप देख सकते हैं ऊपर भी लगे हुए हैं। तो गाइज इसके अंदर मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपको एक तो ये रेडी किस तरीके से करने हैं, क्या फॉर्मेट के अंदर आपको मिलेंगे, पैकिंग के अंदर अगर आप कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन से बाय कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली आपके पास में हीट प्रेस मशीन लगा हुआ है ये आपको ब्लैंक मिलेगा। मैंने सिर्फ आपके आइडिया के लिए यहां पर प्रिंटेड डिस्प्ले लगाया हुआ है। ब्लैंक्स बेसिकली इस तरीके से आपको मिलेगा, जैसे ये पीस इधर रखा हुआ है, आई लव यू मोम का ये लगा हुआ है, इसके ऊपर जो ब्लैक पार्ट है इसके ऊपर आपका व्हाइट कलर का सब्लिमेशन वाला पार्ट लगेगा, बोले तो जो MDF होता है वो इसके ऊपर आपका लगेगा। तो एक पीस मैं आपको प्रिंट करके भी दिखाऊंगा, प्रिंटिंग आपको किस तरीके से करना है पहले मैं आपको बताऊंगा, पैकिंग आपको किस तरीके से मिलेगा। अगर मैं बात करता हूं आपके सिर्फ फ्रेम की, क्लॉक वाला पीस अगर नहीं है आपको किस तरीके से पैकिंग मिलेगा, ये ऊपर सबसे पहले मार्किंग लगा होगा कौन सा फ्रेम इसके अंदर है। इसका कोड है CL F8, CL का मतलब है कोलार्ज, F का मतलब है फ्रेम, और 8 इसका नंबर है लव। इस तरह का आपका फ्रेम इसके अंदर मिलेगा, और मैं ये ओपन करता हूं। तो इस पैकिंग के अंदर आपको मिलेगा ये, और साथ ही में इसके जो सब्लिमेशन वाले पार्ट्स हैं वो ये मिलेंगे आपको। आपको ये गंदे दिख रहे होंगे थोड़े से, बेसिकली गंदे नहीं है, प्रोटेक्शन लेयर इनके ऊपर लगी होती है, जब लेजर मशीन से कटते हैं तो निशान इसके ऊपर आ जाते हैं, बाकी सारे क्लीन हो जाएंगे जब आप इसके ऊपर से प्रोटेक्शन लेयर हटाओगे इस तरीके से। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, पहले आप इस पार्ट को सब्लिमेट करोगे, सब्लिमेशन पेपर पे प्रिंट आउट निकाल के मशीन हीट प्रेस मशीन में गर्म करके आप इसे सब्लिमेट करोगे। प्रिंटिंग करने के बाद कोई भी डबल साइड पेपर टेप से या डबल साइड टेप से आप इसे इधर होल्ड कर दोगे, जिस तरीके से मैंने आपको करके दिखाया हुआ है अपना डिस्प्ले के अंदर। ठीक है, ये तो रहा उसका जो आपका सिर्फ कोलार्ज जिसके अंदर आएगा। अभी अगर हम बात करें अगर क्लॉक फॉर्मेट में अगर आपको मिलेगा तो किस तरीके से मिलेगा, मैं इसे साइड में रख देता हूं और एक क्लॉक वाला पीस आपको ले लेता हूं। तो ओपन करने के लिए मैं कटर की हेल्प लूंगा। गाइस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसमें काफी जानकारी आपको वीडियो के अंदर मिलेंगी, तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। ये बेसिकली एक कोलार्ज है जो बेस है हमारा, और उसके बाद में जो इसके मूवमेंट्स है बाकी वो सब बॉक्स के अंदर आपको मिलेंगे। ये बॉक्स मैंने खाली कर दिया। अब देखो अगर मैं इस क्लॉक की बात करूं, ये इस तरह का है, CL C4 इसका कोड है, ये इस तरह की इमेज इसके अंदर आपको मिलेगी। CL C4 का मतलब है CL4 कोलार्ज और C4 क्लॉक, F4 इसका नंबर है। ठीक है, तो काफी तरीके से हम लोगों ने कोड भी इसका बनाया हुआ है, कोई डिफरेंट नहीं है आपको समझने में। तो ये हमारा सेंटर होगा जिसके ऊपर हम क्लॉक वाला फॉर्मेट बनाएंगे, और ये दूसरा साइड्स में दिया हुआ है वुडन पार्ट जिसके ऊपर आप सब्लिमेट करके लगाओगे इसे। व्हाइट पार्ट को आप पहले आप सब्लिमेट करोगे, सब्लिमेशन से आप हीट ट्रांसफर पेपर के ऊपर प्रिंट आउट निकाल के हीट प्रेस मशीन से ट्रांसफर करोगे। मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा ट्रांसफर आपको किस तरीके से करना है, फॉर एन आइडिया मैं आपको बता रहा हूं पैकिंग जो आपका आएगा किस तरीके से आएगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। और आफ्टर प्रिंटिंग की अगर मैं बात करूं किस तरह का फ्रेम आपको मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूं किस तरह का फ्रेम आपका बनकर के रेडी होगा, कुछ इस तरह का ये जो सामने आपके लगा हुआ है। ये मैंने व्हाइट पार्ट सब्लिमेट नहीं करा है फॉर योर आइडिया। अगर मैं बात करूं पूरा पीस प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा, तो आप इसके जस्ट राइट में देखेंगे पूरा पीस प्रिंट करके मैंने ये लगाया हुआ है, आप ही देख पाएंगे पूरा पीस मैंने प्रिंट करके लगाया हुआ है इधर। तो गाइस एक तो ये फॉर्मेट हो गया जिसमें आपको ये क्लॉक फॉर्मेट के अंदर मिल गया। इवन इसके अंदर आप कुछ भी चाहो, जैसे इसमें लिखा हुआ है ऊपर आई लव यू मोम, आई लव डैड, या फिर एनिवर्सरी इसके ऊपर जो लिखा हुआ है, अगर आपको अपने किसी फॉर्मेट में चाहिए, यहां पर आप कह रहे हो आपको आपके किसी बंदे का नाम चाहिए, आपके
मतलब घर में कोई है, आपको अपने ब्रदर का नाम चाहिए, सिस्टर का नाम चाहिए, उसके नीचे आपको फोटोज लगानी है, तो इवन वो काम भी हम लोग करके देंगे आपको। जैसे एनिवर्सरी ऊपर लिखा हुआ, आपने ऊपर शोभा लिखवाना है या सिमरन लिखवाना है, एक्स वाई जेड जो आपको लिखवाना है, तो उस तरीके से हो जाएगा। तो गाइज एक बार प्रिंटिंग की तरफ चलते हैं, और भी चीजें मैं आपको बीच बीच में डिस्कस करता रहूंगा। तो मशीन मैंने कर दी है चालू, तो हीट प्रेस मशीन मेरे पास में, जिसके अंदर मैं प्रिंट आपको करके दिखाऊंगा किस तरीके से आपको ट्रांसफर करना है। और ये प्रिंट आउट ऑलरेडी मैंने निकाला हुआ है अपना, सब्लिमेशन इंक सब्लिमेशन पेपर के साथ में, और मशीन भी हमारी लगभग रेडी है। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, टेम्परेचर क्या है इसके अंदर सेट करना है, तो हम मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो के अंदर टेम्परेचर आपको किस तरीके से सेट करना है। आपको पहले किसी भी आइटम को प्रिंट करने के लिए इस मशीन के अंदर हमेशा एक मिनिमम टेम्परेचर और एक मैक्सिमम टेम्परेचर और थर्ड टाइमिंग, ये तीन चीजें आपको इसके अंदर सेट करनी होती हैं। तो मोड का बटन मैंने फर्स्ट टाइम प्रेस करा, मुझे अगर लकड़ी प्रिंट करनी है, बोले तो एमडीएफ प्रिंट मुझे अगर करनी है कोस्टर्स के लिए, तो टेम्परेचर इसका मिनिमम 355, मैक्सिमम 355 और टाइमिंग 60 सेकेंड्स। तो गाइस हम चेक कर लेते हैं, मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। मोड का बटन फर्स्ट टाइम प्रेस करा, 355 आ गया, बिल्कुल परफेक्ट है। कम नहीं करना है, मैं ज्यादा नहीं करना है, एग्जैक्टली उतना ही हमें रखना है। मोड का बटन फिर से प्रेस करा, 355, बिल्कुल परफेक्ट है। अगेन फिर से मोड का बटन प्रेस करा, 60 सेकेंड्स आ गया, ये भी बिल्कुल हमारा परफेक्ट है। और अगेन फिर से मोड का बटन प्रेस करा, 355 पर ये है अभी। अब हमें प्रिंटिंग सीधा सीधा चालू करनी है। तो ये प्रिंटआउट मेरे पास में है और ये कोस्टर्स मेरे पास में। फॉर योर आइडिया मैं एक एक पीस आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा कि प्रिंटिंग आपको बस किस तरीके से करनी है। तो सीजर मेरे पास में है, तो मैंने ये कटिंग कर दिया है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि इसके ऊपर प्रोटेक्शन लेयर एक लगा होता है, जैसे आपको ये थोड़ा बहुत गंदगी इसके ऊपर दिख रहा होगा, तो बेसिकली गंदगी नहीं है, लेजर मशीन से कटता है तो निशान आ गए हैं इसके ऊपर। तो हल्का सा हम कॉर्नर पे से पील ऑफ करेंगे। देखो तो पील ऑफ करने के दो तरीके हैं, या तो आप नॉर्मली ठंडे पर ही नाखून मार दो और इसे पील ऑफ कर दो। देखो तो चांसेस क्या है, अगर आपने नाखून को ज्यादा टाइट अगर लगा दिया तो जो नीचे की कोटिंग है उसके भी निकलने के चांसेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा इसे हीट करेंगे, बहुत माइनर, मशीन हमारा 355 पर ही है, ठीक है, हमने बहुत हल्का सा हीट करा। हीट करने में क्या हो, जो इसके ऊपर की जो प्लास्टिक फिल्म थी ना वो हल्की सी गर्म हो गई और उसने अपने आप में नीचे से छोड़ दिया, तो इजीली हम इसे पील ऑफ कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। ये वाला पीस पील ऑफ हो गया है, जो ऊपर की प्रोटेक्शन लेयर थी, और ये हमने निकाला हुआ है प्रिंट आउट और ये हमने इसके ऊपर लगाया। और हीट टेप हमारे पास में है, तो हीट टेप की हेल्प से हम इसे होल्ड करेंगे। ये हम लोगों ने होल्ड कर दिया और दोनों ही पीस हम एक साथ प्रिंट करेंगे। तो अभी हम पहले स्क्वायर वाले को भी पील ऑफ करेंगे। अगेन स्क्वायर वाले को अगर हमें पील ऑफ करना है, हल्का सा मैं इसे हीट करूंगा। बहुत माइनर मैंने हीट का इसे हीट इसे कराया, बस उतना कि आपकी प्लास्टिक फिल्म जो है आपकी मेल्ट हो जाए। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे जो वीडियोस है उसका लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे, क्या हम नया लेकर के आ रहे हैं। तो वो सारी चीजें हैं। देखिए दोनों पीस के ऊपर मैंने आपका ये लगा दिया है, तो बारी ऐसे रखने की, तो मैंने दोनों ही पीसेस को रख दिया है। पेपर ऊपर की तरफ रहेगा, जो हमारा प्रिंटेबल वाला है वो ऊपर की तरफ रहेगा। ये मैंने मशीन को मूव करा, लास्ट वाला बटन मैं यहाँ पर प्रेस कर दूंगा, टाइमिंग आपका चालू होगा, मशीन को मैंने प्रेस कर दिया। अभी 60 सेकेंड्स का टाइम ये लेगा ट्रांसफर होने में, जैसे ही ट्रांसफर हो जाएगा मशीन बीप करेगा, आपको अपने आइटम को निकाल लेना है। इतने 60 सेकंड चलती है, मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूं। मैं इसके अंदर आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे अभी आप ये प्रिंट कर रहे हो, बाय चांस आप परफेक्ट नहीं कर पा रहे हो उसे, इवन आपने नया नया कुछ शुरू करा है काम, आप एकदम से सही नहीं कर पा रहे हो, कहीं पर आपने प्रिंट को मिरर निकालना था, आपने मिरर नहीं निकाला, पॉजिटिव निकाल के आपने प्रिंट कर दिया, लेकिन ट्रांसफर करने का तो मिरर आपका है, आपको पीस खराब हो गया। नॉट इन द सेंस कि आपका पीस अगर खराब हो गया तो आपका क्लॉक भी खराब हो गया, नहीं, आपका सिर्फ एक वो कोस्टर खराब हुआ है, को पीस आपको खराब हुआ है, वो आप एक्स्ट्रा भी बाय कर सकते हो एट नॉमिनल चार्जेस। कोई आपको उसका पूरा पीस का पे नहीं करना है, सिर्फ आपको उस कोस्टर का पीस पे करना है, जो 30-35 रुपीज के आसपास वो पीस है, क्योंकि पूरा क्लॉक 550 के आसपास का रेंज मेरे पास में है क्लॉक का, और कोलार्जिस का 300 रुपए के आसपास में है, तो उसमें सिर्फ आपको कोस्टर का पे करना है। टाइमिंग ओवर हो गया, मैं बात को अभी कंटिन्यू करता हूं। तो 60 सेकंड्स कंप्लीट हो गया, मशीन बीप करेगा और हमने लास्ट वाला बटन प्रेस करा और हमने अपना
कोस्टर्स को निकाल दिया। अभी मशीन पे अगर हमें काम करना है तो मशीन को चालू रखेंगे, और काम नहीं करना है तो मशीन को कर देते हैं बंद, क्योंकि अदरवाइज मशीन पे हम काम नहीं करेंगे तो बीप करती रहेगी बार बार। और ये हमने प्रिंट कर दिया है, मैं छुटाता हूँ इसे, हल्का सा ठंडा होने देते हैं, और ये मैंने इसे पील ऑफ कर दिया है। देखिए ये ट्रांसफर हो गया है, देख लीजिए ये ट्रांसफर हो गया। बेसिकली ये तरीका है प्रिंटिंग का। तो गाइज ये हमारा प्रिंट हो गया, और मैं बात आपसे कर रहा था ये लेकर के कि अगर आपका पीस प्रिंट करने में खराब हो जाता है तो क्या आपकी पूरी क्लॉक खराब हो जाएगी? बिल्कुल गलत। आपका सिर्फ ये पीस अगर आपका प्रिंट करने में खराब हो जाता है, सिर्फ आपका एक ये पीस खराब होगा जो आपको 30-35 रुपए की रेंज के अंदर अलग से एक पार्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक तो रही ये चीज कि आपको पीस खराब हो गया है और आपको चेंज करके मतलब दूसरा आपको मिल जाएगा नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर। दूसरा, आप एक कस्टमर को ये भी ऑप्शन दे सकते हो, भाई जैसे उसने एक क्लॉक के ऊपर आपके 8-9 फोटो उसने लगवा लिए, या किसी फ्रेम के ऊपर उसने 3 फोटो लगवा लिए आपके, तो फोटोज लगाने के बाद में आप एक फ्लेवर कस्टमर को दे सकते हो ये लेकर के कि भाई अगर आपको ये फोटो चेंज करनी हो आप कोस्टर्स और प्रिंट करा लो, उन पीसेस को छुटा करके आप ये दूसरे वाले लगा सकते हो। मतलब इन द सेंस कि आपने 3 फोटोज उसके ऊपर लगा रखी है और 3 फोटोज उसे अलग से प्रिंट करके दे दी, अगर उसे चेंज करना है, उसे फोटो अच्छी नहीं लग रही है या टाइम टू टाइम उसे चेंज करना है, तो आपने पीस को उसको छुटाना है और ये दूसरा लग जाएगा इजीली। तो आप एक फ्लेवर भी आप कस्टमर्स को दे सकते हो कि आप एक्स्ट्रा फोटो अपना प्रिंट करा करके रखो, अगर आपको फोटो नहीं अच्छा लग रहा है तो उसे हटा करके ये वाला फोटो आप लगा दो, एक ये चीज है। दूसरा, इसकी जो हम लोगों ने पैकिंग वगैरह करी है वो मैंने आपको सारी बता दी है कि पैकिंग किस तरीके से आपको मिलेगी। बॉक्स के ऊपर प्रॉपर स्टिकर मिलेगा आपको, कोड उसके ऊपर मिलेगा, इवन फोटो उसके ऊपर बनाई हुई है कि क्या फ्रेम इसके अंदर आपको मिलेगा। दूसरा, मैं बात कर रहा था इसकी मतलब क्लॉक की मशीन की, कि इस तरह की मशीन भी आपको इसके साथ में मिलेगी जो फ्रेम हम लोगों ने बनाया। देखो अपनी तरफ से तो हमने 100% बहुत अच्छी क्वालिटी की मशीन हम लोगों ने रखी हुई है, जिसके ऊपर एक स्टिकर भी लगा है कि वन ईयर वारंटी टाइम क्वालिटी की ये मशीन है, गारंटी वॉइड। तो मतलब ये वो मशीन है जो हम लोग क्लॉक्स के साथ में या फ्रेम्स के साथ में देते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने अपनी तरफ से 100% पूरा करा हुआ है कि आपको कहीं प्रॉब्लम ना आए प्रिंटिंग करने में या फिर क्लॉक की मशीन को लेकर के। इवन फिर भी कहीं अगर आपको अगर मशीन के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नेक्स्ट टाइम कभी भी आपका अगर ऑफिस में चक्कर लग रहा है या फिर नेक्स्ट टाइम आप ट्रांसपोर्ट से सामान मंगाए तो आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी मशीन भी। तो गाइस यही था वीडियो के अंदर, और बाकी एक दो चीजें और हैं वुडन प्रोडक्ट से रिलेटेड जो मेरे पास में आइटम है लकड़ियों के। मैं अगर आपको बात करूं, मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ जाता हूं आपको बताने के लिए क्या आइटम्स मेरे पास में और न्यू लॉन्च जो हैं, जो मैं प्राइजेस के अंदर भी इवन नहीं डाल पाया हूं अभी। एक ये रोटेटिंग फ्रेम हम लोगों ने बनाया हुआ है, इसके अंदर हमने बहुत साइड MDF लगा दिए, और एक ये हार्ट शेप है ये हम लोगों ने फोटो इसके अंदर लगा दिया है। बेसिकली आइटम बनाने का जो रीजन है ना, वो रीजन ये है कि आप अगर प्रिंट कर रहे हो, कहीं आपका प्रिंटिंग करते टाइम खराब हो गया है, तो आपका पीस पूरा खराब ना हो, सिर्फ एक लकड़ी का पार्ट आपका खराब हो। हर एक आइटम को इस तरीके से डिजाइन करा हुआ है कि आपको कहीं प्रॉब्लम ना आए। अभी जैसे ये हार्ट शेप है, ये हम लोगों ने इसके अंदर लगाया हुआ है, ये आपका पीस है जो हमने बोथ साइड प्रिंट किया हुआ है। इजीली आपने इसके अंदर इंसर्ट करा और पीस आपका ये बिल्कुल रेडी इस तरीके से। सेम ऐसा ही इसके अंदर है, ये हम लोगों ने प्रिंट करा बोथ साइड और हमने इसके अंदर फिक्स कर दिया। तो हर एक आइटम इस तरीके से हम लोगों ने डिजाइन करे हैं, कहीं आपको प्रिंटिंग करने में कहीं भी प्रॉब्लम आती है या कस्टमर्स को आपको फ्लेवर्स देने हैं अब उनकी फोटोज के, तो वो सारी चीजें आप आसानी से कर सकते हो। दूसरा, इन प्रोडक्ट्स के अलावा और भी काफी सारी प्रोडक्ट्स की रेंज मेरे पास में। अगर मैं बात करूं ट्रॉफीज की, ट्रॉफीज भी मेरे पास में होती हैं, वुडन की ट्रॉफीज जो है, काफी प्रीमियम रेंज की ट्रॉफीज हैं। तो ये पीस मैंने ओपन कर दिया है, हर एक पीस के ऊपर आपको स्टिकर भी मिलेगा क्या ट्रॉफी उसके अंदर है, जैसे ये लिखा ये इसके ऊपर डला हुआ है ये जो ट्रॉफी इसके अंदर है, या फिर अगर इस ट्रॉफी की बात करें इस पे भी कहीं ना कहीं स्टिकर आपको मिलेगा, स्टिकर इधर लगा हुआ है। खैर मैंने एक बॉक्स ओपन करा है उसके अंदर ये ट्रॉफी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें भी एक तरीका, जो आपका जो गोल वाला पार्ट है ऊपर फिक्स हो जाएगा और ये वाला पार्ट आपका इधर फिक्स हो जाएगा। पहले आप प्रिंट करोगे और बाद में डबल साइड टेप की हेल्प से प्रिंट चिपका दोगे आप इसे। बेसिकली फिनिश प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर मैं बात करूं ये वाली ट्रॉफी है,
मैं आपके लिए दूसरा पीस भी ओपन कर देता हूं, एक बार आपका आइडिया थोड़ा सा एक मिल जाएगा। गाइस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें या चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज आप सब्सक्राइब करोगे, कमेंट्स करोगे, देखो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि अगर आप अच्छे कमेंट्स कर रहे हो या बोल रहे हो कि सर नेक्स्ट टाइम इस आइटम का वीडियो बनाओ, तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है ये लेकर के कि भाई चलो क्लाइंट्स मांग रहे हैं, अच्छी लग रही है उन्हें हमारी वीडियो, तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हम वीडियो बनाएं और वीडियो बनाएं। तो बस इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, आप कमेंट्स करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये फ्रेश पीस है, इस तरीके से आपका जो सेंटर वाला पार्ट है इसको आप प्रिंट करोगे और बाद में किसी भी डबल साइड टेप की ऐप से आप उसे स्टिक कर दोगे या फिर प्रिंट करोगे। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, प्रोटेक्शन लेयर ऊपर लगी हुई है, प्रोटेक्शन लेयर छुटा करके आप उसे प्रिंटिंग करोगे, ये इस तरीके से आएगा। एक ट्रॉफी और मेरे पास में है, ये भी मैं ओपन कर ही देता हूं, बाकी दो मैंने कर दिए। तो ये हमारा थर्ड वाला ट्रॉफी है जो आपके सामने मैं फिल ऑफ कर रहा हूं, इस तरीके से ये आपकी इजीली ऊपर की तरफ से इंसर्ट हुई है। ये देखो, इसमें तो हम लोगों ने सिंगल साइड एमडीएफ लगाई हुई है, पीछे से ब्लैक है और आगे की तरफ आप इसके अंदर प्रिंटिंग कर सकते हो। तो ये भी एक रेंज है ट्रॉफी की, काफी अलग ही रेंज हम लोगों ने बनाई हुई है। तो गाइज और भी एक्चुअली आइटम्स तो मेरे पास काफी सारे हैं, मैं इस वीडियो के अंदर आपका कवर भी नहीं कर पाऊंगा, बट ये है कि मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा क्या क्या आइटम्स की रेंज मेरे पास में। अब जैसे मैं बात करूं, एक पेन स्टैंड मेरे पास में है, ये रखा हुआ है मेरे पास में पेन स्टैंड, सब्लिमेशन है ये भी, रोटेटिंग पेन स्टैंड है ये। अब इसमें क्या हुआ है, इधर भी आपका एक लकड़ी का पार्ट लगा है, इधर भी और इधर भी, फोर साइड से लकड़ी का पार्ट आपका लगा हुआ है। पहले आप उसे प्रिंट करोगे, अगेन आप उसे डबल साइड टेप की हेल्प से आप उसे स्टिक कर दोगे इस तरीके से। तो एक ये रेंज मेरे पास में है लकड़ियों के जो प्रीमियम रेंज की आइटम है, या फिर ज्वेलरी बॉक्स की मैं बात करूं, ज्वेलरी बॉक्स एक ये पीस है आपका, ऊपर भी एक लकड़ी का पार्ट इसके अंदर लगा है, प्रिंट करोगे आप उसे बाद में स्टिक कर दोगे डबल साइड टेप की हेल्प से, वो इजीली स्टिक हो जाएगा। ये भी एक प्रीमियम रेंज की क्लास है। दूसरा इसके अलावा मैं अगर एक आइटम और है मेरे पास में, टिश्यू बॉक्स, टिश्यू बॉक्स आप देख पा रहे होंगे, मैं एक बार पीस आपके लिए उतार देता हूं किस तरह का, इसमें एक बार आपको आइडिया मिल जाएगा। टिश्यू बॉक्स मेरे पास में है ये, देखिए ये टिश्यू बॉक्स है आपका, ये अगेन सब्लिमेशन का एमडीएफ लगा हुआ है, सब्लिमेशन की लकड़ी इसके अंदर लगी हुई है और आप इजीली इसे प्रिंट करके इसके अंदर आप डाल सकते हो। तो आइटम की रेंज काफी सारी है, आपको पूरा रेंज एक बार अगर आपको चाहिए, नीचे आपको बायो में मेरा नंबर मिल जाएगा, वीडियो के अंदर भी मैंने शो किया हुआ है नंबर, तो उधर से आप व्हाट्सएप नंबर लेकर के व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर दो, आपको एक पूरी रेंज उसके अंदर आपको मिल जाएगी क्या क्या आइटम्स हम लोगों के पास में होते हैं। तो एक बस मैंने लकड़ी का जो एमडीएफ के प्रोडक्ट्स मेरे पास में, एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको करा दिया है किस किस तरह के आइटम्स मेरे पास में होते हैं। इसके अलावा रेंज काफी लंबी चौड़ी है, वीडियो के अंदर मैं कवर नहीं कर पा रहा हूं। तो गाइज चैनल के साथ में जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो गाइज जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, शुक्रिया, धन्यवाद।